आ जाओ क्योंकि जो जहाँ से भैया लेके आते हैं वो काफ़ी टेस्टी है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम डीसी ऑफिस चौक से आपके साथ लाइव जुड़े हुए तस्वीरें आप डीसी ऑफिस चौक की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में पिछले करीब 15 दिनों से अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और पुराने डीसी ऑफिस चौक पर एक बार फिर से प्रशासन की टीम पहुंच गई है। मौके पर एसडीएम सोलन, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इस वक्त आप देख सकते हैं कि नाप नपाई यहां पर चली हुई है। दोबारा से प्रशासन द्वारा यहां पर पैमाइश की जा रही है। वजह है कि व्यापार मंडल ने जिस दिन विरोध किया था तो उनका कहना था कि पुराने डीसी ऑफिस चौक पर एक बार फिर से कार्रवाई करो, क्योंकि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि पिक एंड शूज हो रहा है लेकर, और प्रशासन ने उस वक्त आश्वासन दिया था कि उनकी जो कार्रवाई है वो बिल्कुल फेयर है और दोबारा से यहाँ पर पैमाइश की जाएगी। यदि हम राजस्व विभाग की माने तो यहाँ पर जो सड़क की चौड़ाई है केवल 6 मीटर है और प्रशासन की जो सड़क की एक्वायर्ड विड्थ है वो 6 मीटर है और उसके हिसाब से ही यहाँ पर एक बार फिर से नाप सफाई की जा रही है। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। ऐसे सोलन कानूनों को ऑर्डर आदेश दे रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त राजस्व विभाग की टीम डीसी चौक की यह तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर दोबारा से पैमाइश की जा रही है। और राजगढ़ रोड पर वैसे तो पहले ही प्रशासन ने निशान लगाए हुए हैं और एक बार फिर से यहां पर निशानदेही का काम दोबारा से शुरू हो रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरें इस पॉइंट पर, क्योंकि व्यापार मंडल की ओर से लगातार जिस विरोध प्रदर्शन और एसडीएम सोलन की अगुवाई में यह कार्रवाई अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ यहाँ पर चली हुई है। एसडीएम सोलन कविता ठाकुर इस वक्त मौके पर पहुंची है। और इस पॉइंट से यह पैमाइश की जा रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरें और अब इस पक्के पॉइंट को यहाँ से पकड़ा है और आगे की तरफ हम डीसी ऑफिस चौक की तरफ को प्रशासन यहाँ से आगे बढ़ेगा, जहाँ पर पैमाइश की जानी है। और एसडीएम सोलन, नायब तहसीलदार आप तस्वीरें देख सकते हैं। प्रशासन की ओर से यहाँ पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर जो सरकारी भूमि पर हुए हैं उनको हटाने को लेकर कार्रवाई लगातार चली हुई है और आम लोगों द्वारा इस कार्रवाई का समर्थन भी किया जा रहा है। 5 हो गया ना, यहाँ चलो के 6 मीटर नहीं, यहीं से मोड़ो पार को कर एक देख और पक्का जो निशान है ऐसे निशान लगाया ये जो 4 दिन 7 और राजेंद्र शर्मा जी कानगो जिनकी अगुवाई में इस वक्त निशानदेही हो रही है और जो सामान यहाँ पर पड़ा है उसे हटाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निशान लगाए गए हैं और लोगों को जो भवन मालिक है उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए वक्त दिया हुआ है। प्रशासन इंतजार कर रहा है, जब समय सीमा पूरी होगी और प्रशासन अगर यदि अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा सरकारी भूमि पर से, तो प्रशासन द्वारा फिर यह कार्रवाई की जाएगी और उसमें जो खर्चा होगा वो खर्च भवन मालिक को ही वहन करना पड़ेगा। जब प्रशासन द्वारा जेसीबी से जब अवैध कब्जे को हटाया जाएगा, लगातार आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। एक बार पहले यहाँ पर निशान लगाए जा चुके हैं। एसडीएम सोलन कविता ठाकुर की अगुवाई में यह कार्रवाई इस वक्त चली हुई है और अतिक्रमण को लेकर हालांकि पूर्व में कार्रवाई होती रही है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई पहली बार देखने को मिली है, जब अतिक्रमण सरकारी भूमि पर जो फुटपाथ लोगों ने अपने घरों के बाहर जो जगह को कवर किया था उन्हें खाली करवाया जा रहा है। एंगल जो सड़क के किनारे गाड़े हुए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। लगातार पिछले करीब 15 दिनों से यह कार्रवाई चली हुई है। मैडम, मैडम। यहाँ से पार को मारो और आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो प्रशासन की कार्रवाई है उसे देखने के लिए लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उमड़े हुए हैं। देख रहे हैं कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है कितनी बड़े पैमाने पर सोलन में हुआ है और लोगों को चलना बड़ा मुश्किल हो गया है और यही वजह है कि प्रशासन द्वारा अब फुटपाथ बनाए जाने का योजना तैयार की है। जो सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण हुआ है उसे हटाने के बाद दोनों तरफ फुटपाथ बनाया जाएगा ताकि आम आदमी को चलने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पिछले 15 दिनों से प्रशासन की यह कार्रवाई जारी है। शहर भर में पहले राजगढ़ रोड से यहाँ से राजगढ़ को कोटरान नाला तक, फिर कोटरान नाला से अस्पताल तक और इसके बाद माल रोड की तरफ को प्रशासन घूमेगा और माल रोड पर जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। ये सारे एसटीडी जैसे कबूतर रखा हुआ है, सारा ये पीछे तक आ रहा है, ये नहीं मान रहे थे। मैम आप तो अभी तो थे मैम, फोन देखा जा रहा है और पक्का पॉइंट यहाँ पर मिला है। ये तो बोल देते हैं, तो कौन है यहाँ पे? ये दोनों ही कब्जों है। एसडीएम सोलन कविता ठाकुर, निशान नरेश, आप इधर आना। एमसी से कौन है? ये आपकी है, मेरा नहीं है सर, ये का है। इनको बोलो कि उठा दो ये ना, अदरवाइज तो हम उठा देंगे। इसमें 5 मिनट लगाओ ना, अदरवाइज हम रिमूव करेंगे। हमारी दुकान है तो बिल्कुल पीछे आ जाना, आगे लगा दी हमारी तो दिखती नहीं है। हटा दो मैम, ये बहुत ही ज्यादा लगा हमारी दुकान में, दिखती नहीं है। यू हैव 5 मिनट्स, हमें बार बार इसी काम के लिए नहीं आना जाना। हो जाएगा, हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास जैसे से रास्ते का काम नहीं मैम, ये पहले जाते बिल्कुल पीछे आ गई। अब वहाँ से देखो, देखते नहीं मैम, करवाते अभी पहले करवाते। और आप तस्वीरें देख सकते हैं। सोलन कार्रवाई होगी। क्या बनाना है? अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया, आज मैं लेट भी आई हूँ। आज दोबारा से डीसी ऑफिस में पैमाइश की जा रही है, दोबारा से पैमाइश की जा रही है, तो क्या वजह है? 2 मिनट रोक लो। क्लैरिटी देने के लिए हमने कहा था पहले भी व्यापार मंडल के मेंबर्स को, तो वही क्लैरिटी ताकि हम बंदोबस्ती पॉइंट से बाकी के पॉइंट्स एग्जैक्टली फिक्स कर दें वहीं के वहीं। वैसे ये कहना चाहती हूँ मैं कि जो हमने पहले भी पॉइंट्स दिए थे वो भी ठीक हैं, लेकिन और भी प्रिसीजन से देने के लिए हम आज फिर से ले रहे हैं बैकवर्ड्स। मैम, जो यहाँ से आपने कार्रवाई की थी, निशान लगाए थे, तो कई लोगों ने हटा दिए, तो उनको क्या निर्देश आपकी तरफ से? बताना है हमने कि वो जो निशानात हैं उनको ना हटाए, और नहीं तो हमें जेसीबी से स्क्रैप करना पड़ेगा, जेसीबी से फिर दोबारा से निशान लगाना पड़ेगा हमें। बट अब एक बार फिर से बता देंगे उनको, ताकि वो खुद से ही अपनी कंस्ट्रक्शंस या जो भी उनकी एक्सटेंशंस है वो पीछे कर दें। तो आज की कार्रवाई क्या रहेगी यहाँ पर? हमारे ओल्ड डीसी चौक से सर्कुलर रोड जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ तक कोशिश करेंगे कि हो जाएगा। तो उसके बाद कल के लिए क्या है? उसके बाद अभी प्लान करेंगे स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं मॉल रोड की। तो मैम, कई मामले इस तरह से भी आए हैं फिर जहाँ पर आपने निशान लगाया है तो आम लोगों ने हटाया भी है, आम लोग तारीफ भी कर रहे हैं आपकी, कहते हैं कि अगुवाई में अच्छी कार्रवाई होगी, तो उसे कैसे देखते हैं? यही कि हमारी जो ये पूरी प्रैक्टिस है, ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये मोस्टली कामयाब है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उसी नज़र से देखते हैं इसको। क्योंकि आज तक अतिक्रमण की कई बार शहर में कार्रवाई हुई है, लेकिन रेडी फड़ी वालों तक ही सीमित रही है। पहली बार इतने बड़े स्तर पर अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही, जब अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, तो प्रशासन की क्या योजना है कि क्या बना? ये डिफरेंस है कि अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, राहगीर ज़्यादा हैं, चलने के लिए जगह संकुचित हो गई है, छोटी हो गई है, तो अब इसीलिए ये व्यापक स्तर पर की जा रही है। तो फुटपाथ पर बनाने की योजना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एसडीएम सोलन कविता ठाकुर की अगुवाई में यह अतिक्रमण के खिलाफ लगातार यहाँ पर कार्रवाई चली है, और सोलन की तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, और कानून राजेंद्र शर्मा जी इस वक्त निशान लगाते हुए और राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी यहाँ पर मौके पर मौजूद। और क्या हुआ? हमारा क्या जहाँ हो रहा हो तो हो। नमस्कार जी, पंजाब का स्वागत है, और सोलन के मान रोड से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई सोलन में चली हुई है वो लगातार जारी है। पिछले 15 दिनों से प्रशासन यहाँ पर अतिक्रमण, सरकारी भूमि पर जितना भी अतिक्रमण हुआ है, अवैध कब्जे हुए हैं, उन्हें हटाने के लिए पहले निशान लगा रहे हैं, बीच बीच में जेसीबी से भी निशान लगाए जा रहे हैं, और एसडीएम सोलन की अगुवाई में कार्रवाई हो रही है। और एसडीएम सोलन ने आज उन अतिक्रमणकारियों को एक चेतावनी दी है जिन्होंने प्रशासन के निशान को हटाया है, और एसडीएम सोलन का स्पष्ट कहना है कि, और लोगों से आग्रह भी किया है कि वो निशान जो प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं उन्हें मत हटाएं। यदि कोई निशान हटा रहा है तो जेसीबी से पक्के निशान अब लगाए जाएंगे, क्योंकि प्रशासन बार बार निशान लगाने के लिए नहीं आएगा। और जो अतिक्रमण किया गया है, जहां पर निशान लगाए गए हैं, स्वयं उन कब्जों को हटा दें, तोड़ दें, जो यदि कोई किसी प्रकार का निर्माण किया है, अदरवाइज प्रशासन द्वारा उन कब्जों को तोड़ा जाएगा और उसका पूरा खर्च उन लोगों से वहन किया जाएगा जिनकी वो ज़मीन या फिर वो उनके जो भवन बने हुए हैं। और सोलन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, उपायुक्त चौक, और यहाँ पर निशान लगाए जा रहे हैं। कारण है कि प्रशासन व्यापार मंडल की ओर से कहा गया था कि यहाँ पर जो निशान दी हुई है उससे व्यापार मंडल कुछ संतुष्ट नहीं था, और प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर दोबारा से पैमाइश की जाएगी, और उसी संदर्भ में आज यह कार्रवाई की जा रही है। सोलन की यह तस्वीरें हैं। पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही, और आप तस्वीरें उपायुक्त चौक सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नाप नपाई यहाँ पर चली है। क्योंकि इस पॉइंट पर जो सड़क है पहले ही छोटी है। एसडीएम सोलन कविता ठाकुर की अगुवाई में यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है और प्रशासन की इस कार्रवाई से आम आदमी काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहा है। और प्रशासन का कहना है कि दोनों तरफ फुटपाथ बनाए जाएंगे जहां पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह के स्थिति है। राजगढ़ रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, दोनों तरफ जब वाहनों की आवाजाही जारी रहती है तो लोगों को भारी परेशानियों का यहाँ पर आवागमन की समस्या से दो चार होना पड़ता है। पंजाब केसरी से जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इजाज़त बहुत होती है।